हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल। गाइस, आप सभी को पता है कि जो है बारिश के सीजन में गाड़ियां बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है कीचड़ की वजह से, और उनको मार्केट में धुलाने के लिए ले जाते हैं तो उसमें काफी ज्यादा पैसा लग जाता है। लेकिन गाइस, हम यहां पर एक ऐसा जुगाड़ बनाने वाले कोको कोला की बोतल से कि आप उससे जो है घर पे इजिली हाई प्रेशर वॉशर बना सकते हो, और ये जो बार बार लगने वाले पैसे जो है ना गाड़ी धुलवाने में, ये आपके बच जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले कोकोला की बोतल लेनी होगी। ये जो बोतल देख रहे हो आप, ये जो है 2 लीटर की बोतल है। आपको ध्यान रखना है कि अगर आप बनाते हो इस प्रोजेक्ट को तो यहाँ पर छोटी बोतल का यूज मत करना, क्योंकि वो ज्यादा देर नहीं चलेगी। इसके अंदर पानी स्टोर करने के लिए जगह होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, अब यहाँ पर जहाँ पे मार्किंग लगा रहा हूँ ना, यहाँ पर हमें होल करना होगा। इसके अंदर होल करने के लिए मैं ड्रिल मशीन का यूज कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं ड्रिल मशीन से इसके अंदर होल नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ड्रिल मशीन नहीं है। इसके लिए यहाँ पर हम एक जुगाड़ का यूज करेंगे ताकि हर कोई इसके अंदर काम कर सके। यहाँ पर मेरे पास इस टाइप का एक खराब बीट है। अगर आपके पास बीट नहीं है तो आप यहाँ पर कोई सी भी रोड का यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर इसको इस टाइप से प्लार से पकड़ना होगा और गर्म करना होगा, और गर्म करने के बाद में इस टाइप से यहाँ पर हम होल कर सकते हैं। तो देखो फ्रेंड, यहाँ पर हमारा परफेक्टली होल हो चुका है। अब यहाँ पर हम कोई सी भी नुकीली चीज ले लेंगे और यहाँ पर आसपास, यहाँ पर होल किया उसके आसपास हम यहाँ पर इस टाइप से स्क्रेच करने होंगे, क्योंकि ये जो है काफी ज्यादा चिकनी सतह होती है, तो यहाँ पर हम कुछ भी चिपकाएंगे ना यहाँ पर निकल जाएगा। तो सबसे पहले इस टाइप से स्क्रेच कर लेंगे ताकि कुछ भी हम ग्लू व्लू लगाए तो अच्छे से मजबूत से चिपक जाए। और अब यहाँ पर हमें इस टाइप की एक नली लेनी होगी। भाई, ये जो है हमारा आर ओ प्यूरीफायर जो होता है ना, उसके अंदर इस टाइप की नली लगती है, और ये जो है काफी मजबूत होती है। इसके अंदर कितना ज्यादा प्रेशर ले लें, यहाँ पर ये खराब नहीं होती है। तो ये जो आपको ज्यादा नहीं लानी, थोड़ी सी लानी, 1-2 मीटर के आसपास जितनी आपकी जरूरत होती है, और काफी सस्ती मिल जाएगी, 10-20 रुपए में आपको इजीली मिल जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसको इस टाइप से लगा देंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी यहाँ पर थोड़ा स्क्रेच कर देंगे, क्योंकि ये भी काफी ज्यादा चिकनी होती है, तो यहाँ पर ग्लू नहीं लग पाएगा। यहाँ पर मैं इसको इस टाइप से स्क्रेच करके थोड़ा खुरदुरा कर दूंगा। स्क्रेच करने के बाद में यहाँ पर इस होल के अंदर इसको इस टाइप से लगा देंगे। यहाँ पर जो हमारा होल है थोड़ा टाइट रखना चाहिए, क्योंकि अगर ढीला रखा तो यहाँ से हमारी लीकेज हो जाएगी। देखो, यहाँ पर हमारा जो होल है काफी परफेक्टली हुआ है, और यहाँ पर अच्छे से टाइट हमारा पाइप जा रहा है इसके अंदर। और अब यहाँ पर हम ग्लू गन के द्वारा इसको अच्छे से चिपका देंगे। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है ना, तो एमसील का भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन एमसील को सूखने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ग्लू गन का यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ग्लू गन से इसको चिपका दिया है। इसको थोड़ा जल्दी ठंडा करने के लिए मैंने पानी डाल दिया ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। आपको भी ध्यान रखना है, जब ग्लू गन से आप चिपकाओ तो ये गर्म होती है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये स्टेप से जो हमारी सिकुड़ने लगी की बोतल, तो इसको जल्दी ठंडा करना होगा, तो पानी में डाल दीजिए तो फटाफट से ठंडी हो जाएगी। अब हमारा जो पाइप है ना, इसका दूसरा वाला जो मुंह है, यहाँ पर हमें एक तो नोजल लगाना होगा, और यहाँ पर दूसरा एक और जो वाल लगाना होगा ताकि बंद चालू कर सके इसको। तो यहाँ पर मैं इस वाल का यूज करने वाला हूँ। आप सभी ने देखा होगा घर के अंदर अगर आर ओ लगा होगा आपके, तो यहाँ पर ये स्टेप का वाल लगा होता है जो कि डायरेक्टली नल से कनेक्ट होता है। ये आपको इजिली मार्केट में मिल जाएगा, जहां से नली लाओगे तो वहां से इस टाइप का वाल लेके आ जाना। इसके अंदर प्लास्टिक वाला भी आता है, और यहाँ पर जो है डायरेक्टली लोहे वाला भी आता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इस टाइप से कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करना काफी सिंपल सा है, बस इस पाइप को इस टाइप से अंदर की साइड में घुसाना है, और यहाँ पर खींचना है थोड़ा सा। जब यहाँ पर खींचोगे ना, तो बाहर की साइड में नहीं निकला। अगर इसको बाहर की साइड में निकालना है आपको, तो यहाँ पर एक लॉक दिया गया है, जैसे इसको आप इस टाइप से अंदर की साइड में दबा के खींचोगे तो हमारा पाइप बाहर की साइड में निकल जाएगा, और वापस से अंदर की साइड में इस टाइप से लगाना है। अगर बाहर डायरेक्टली खींचोगे तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, टूट जाएगा, निकलेगा नहीं। बस इस लॉक को आपको दबाना होगा अंदर, फिर निकलेगा। अब यहाँ पर इस वाल के आगे साइड एक नोजल लगाना होगा। तो नोजल तो हमारे पास नहीं है, मैं यहाँ पर जुगाड़ करके बनाने वाले। मेरे पास इस टाइप का एक मार्कर है, इस मार्कर की जगह पर आप जो है पेन का भी यूज कर सकते हो। ढक्कन खोलेंगे और यहाँ से इसको कट कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने इसको कट कर लिया है। अब यहाँ पर इसको इस टाइप से लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ढीला पड़ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ग्लू गन से चिपका देंगे ताकि कोई लीकेज नहीं रहे। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर ऊपर का जो ढक्कन है इसको खोलना होगा, और यहाँ पर इसके अंदर थोड़ा बहुत काम करना होगा। अब इसके ऊपर भी हमें एक होल करना होगा, तो मैंने ऑलरेडी इसको गर्म कर लिया, और यहाँ पर मैं होल कर दूंगा इसके अंदर। होल करने के बाद यहाँ पर हमें लेना होगा एक बाइक का वाल ट्यूब, और ये जो है पुरानी किसी भी बाइक का जो ट्यूब होता है ना, उसके अंदर से आप निकाल सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है, ये लीकेज नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हम इसको खोल देंगे, और इसके अंदर यहाँ पर इसको फिट करना होगा। तो फ्रेंड्स, हमारी इतनी सी देर के अंदर हाई प्रेशर वॉशर कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले ये वाल जो इसको बंद करना होगा, और इसके अंदर पानी भरना होगा ताकि हमारी जो है मशीन चालू हो सके। अब इसके अंदर है ना पूरा पानी नहीं भरना है, थोड़ा इसको खाली रखना है, जैसे मतलब आधे से थोड़ा ऊपर इसके अंदर पानी भर देंगे। अब यहाँ पर हमारा ढक्कन है ना, इसको अच्छे से टाइट करके यहाँ पर लगा देंगे इसके अंदर, ठीक है, ये ढीला नहीं रहना चाहिए। अब इसके अंदर हमें हवा भरनी होगी, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको इस टाइप से लगा दूंगा और यहाँ पर लॉक कर दूंगा। अब इसके अंदर हम हवा भर देंगे।
भाइयों इसके अंदर मैंने हवा भर ली है। अब यहाँ पर काम कैसे करेगा मैं आपको समझा देता हूँ। ऊपर की साइड मैंने हवा भर रखी है। अब हमारी जो पूरी बोतल है इसके अंदर हाई प्रेशर जनरेट हो चुका है। अब यहाँ पर जो हवा है ना इस पानी को नीचे की साइड में प्रेस कर रही है और यहाँ से जो हमारा नली है इस नली के अंदर से हमारा जो इसके अंदर से काफी स्पीड से पानी निकलने वाला है। लेकिन यहाँ पर हमने वाल लगा रखा है जो कि अभी इसको रोक रहा है। जैसे वाल को खोलेंगे यहाँ पर हमारा जो हाई प्रेशर इसके अंदर से निकलने वाला है और गाड़ी वाड़ी कुछ भी हम धो सकते हैं इससे। तो भाई सबसे पहले इसका मैं आपको प्रेशर दिखाता हूँ कितनी दूरी तक यहाँ पर ये पानी को भेज रहा है। देखो कितना भयंकर तरीके से पानी भेज रहा है। कितनी दूरी तक पानी जा रहा है देखो। तो भाइयों हमारे जो हाई प्रेशर वाशर है वो अच्छे से काम कर रहा है लेकिन इसके अंदर कुछ कमी आया है। ये कमी है कि भाइयों यहाँ पर आपको है इसके अंदर ज़्यादा प्रेशर नहीं देना वरना बोतल फट सकती है। और दूसरी कमी ये है कि भाइयों इसके अंदर आपको पूरा पानी नहीं भरना होगा, इसको आधा ही भरना होगा। अगर पूरा पानी भर दोगे तो इसके अंदर हवा की जगह नहीं रहेगी और अगर हवा की जगह नहीं रहेगी तो प्रेशर नहीं बनेगा और ये काम नहीं करेगा। तो ये जो तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत, बाय एवरीबॉडीज़।